सहरसा में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने यमहा शोरूम के मालिक और उसके एक सहयोगी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब यमहा शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह अपने एक सहयोगी अली हसन के साथ बाइक से सहरसा जिले से मधेपुरा जा रहे थे, तभी बैजनाथपुर शिविर थाना क्षेत्र में उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। बताया जाता है कि बाइक सवार तीन बदमाशों ने पहले यमहा शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह को ओवरटेक किया और उसके बाद गोली मार दी। राजकुमार सिंह के पैर में गोली लगी है, जबकि उनके सहयोगी अली हसन को पेट में गोली लगी है, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गोलीबारी में घायल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर डीएसपी मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस घटना को बदमाशों ने किन वजहों से अंजाम दिया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है लूटपाट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि पुलिस और परिजन अभी भी खुलकर कोई कारण बता नहीं पा रहे हैं। राजकुमार सिंह का सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में यमहा का शोरूम है और इसी शोरूम को सहरसा से मधेपुरा खोलने के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल राजकुमार सिंह दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई बताए जा रहे हैं। हमारे भाई साहब डेली मधेपुरा जाते हैं अपना शोरूम को ओपन करने के लिए। वो जा रहे थे मधेपुरा। मधेपुरा जाने के क्रम में बैजनाथपुर से जैसे ही आगे बढ़े हैं, कुछ अज्ञात आदमी, तीन आदमी मोटरसाइकिल पे सवार थे और ग्लैमर गाड़ी से थे, और इनका पीछा करके आगे गए, फिर आगे से पीछे आए और पीछे जाने के बाद उनको गोली उन पर चला दिया, जिसमें हमारे भाई साहब को पैर में गोली लगी है और हमारे वहाँ के ऑपरेटर हैं, मैकेनिक हैं, उनको कमर से ऊपर पेट के आसपास कहीं गोली लगी है। उनका थोड़ा हालत ख़राब है। भाई साहब की गोली निकल चुकी है, पैर में लगी है, क्योंकि वो बाहर से है, वह तो खतरे से बाहर हैं। बाकी यही सूचना है और उस सूचना पे हम लोग जल्दी से वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे डॉक्टर इंजेश बाबू के यहाँ हम लोग लाए हैं। उनका इलाज चल रहा है। क्या लग रहा है कि लूटपाट का नियत से? अब ये नहीं बता सकते हैं, ये किस तरह की घटना है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। अज्ञात किस्म के आदमी, तीन आदमी बाइक पर सवार थे, जो इस तरह का घटना को अंजाम दिए हैं। अब मामला क्या है ये हम लोग को अभी पता नहीं है। ये तो तहकीकात की विषय है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, हम लोग यही चाहेंगे। दिन दहाड़े इस तरह की घटना काफ़ी अशोभनीय है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। किस चीज का शोरूम है आपका? हम लोग का यामा शोरूम का है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, हम लोग का तीनों जगह शोरूम है यामा। ये बैजनाथपुर ओपी के अंतर्गत सीरी और बैजनाथपुर के बीच की घटना है और इसमें दो आदमी को गोली लगी है, एक आदमी के पैर में लगी है और गोली निकल गई है, एक दूसरे आदमी के पीछे से, दाहिने साइड पीछे से गोली लगी है और वो उसके पेट में संभवतः है। एक पेशेंट सुरक्षित है, दूसरे की स्थिति गंभीर है। क्या सर, कुछ पता चल पाया आखिर वजह क्या था? नहीं, वजह तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। स्थल को चिन्हित कर लेते हैं, यामा शोरूम के मालिक। कितने लोग लगे? दो ठों को गोली लगी है, इलाज चल रहा है, तफ्तीश कर रहे हैं, उसके बाद पता चलता है। घटना क्षेत्र के बारे में सर क्या जानकारी है? घटना क्षेत्र के बारे में अभी जा रहे हैं, देख लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है, ओम चिमनी कहाँ पे है एग्जैक्ट, मैं जा रहा हूँ। ठीक है।